सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है ताकि गांव के लोगों को निःशुल्क व बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के हिसामुद्दीनपुर गांव स्थित एएनएम सेंटर बंद है, जिसके कारण प्रेमा देवी सहित 20 गांव के 30,000 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके गांव में एएनएम सेंटर है? हाँ, हमारे घर के सामने है। ये बताइए, आपके घर के सामने तो कितने दिन से ये बंद है? 6 महीने से। तो यहाँ आपको दिक्कत क्या हो रहा है? हमको दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ, ना तो टीकाकरण की सुइयाँ लगती हैं और ना और कुछ भी होता है। तो कहाँ जाना पड़ता है? बेवा बस्ती। बेवा से कितनी दूर पड़ता है? 15-16 किलोमीटर। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ कोई नया एएनएम आए या डॉक्टर आए, हम लोग का देख रेख करे। आपके गांव में एएनएम सेंटर है? हाँ। तो उससे क्या समस्या हो रही है? समस्या यही है कि यहाँ क्यों आवत नहीं एएनएम। कितने दिन से नहीं आती है? 6 महीना। तो आपको क्या समस्या हो रहा है? समस्या होता है यह साहब कि ग्लूकोज चढ़त है, प्राइवेट डॉक्टर आवत हैं, पैसा दे पड़त है, यह क्यों वैसा हुआ तो एएनएम तो इलाज बढ़िया से हुआ, यह कुल समस्या है। तो मान लीजिए यहाँ यदि आपको यहाँ कोई एएनएम हो तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता? फ़ायदा यही हुआ कि महंगा दवाई ना हुआ, सुई ना हुआ, कुछ सस्ता में पड़ जात, यही सब समस्या है। इससे समस्या सबसे पहली तो यह है कि यहाँ पे एएनएम है नहीं, एएनएम सेंटर ही सिर्फ 6 महीने पहले से नहीं है। ना खुलने से जैसे मैं जब प्रधान हुआ उसके बाद हमारे यहाँ डुमरियागंज में एक मीटिंग थी इन लोगों की, तो उस मीटिंग में मैं गया, वहाँ लोगों से बात किया तो उनने कहा आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एप्लीकेशन दीजिए नियुक्ति के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। अब नियुक्ति करेंगे कब करेंगे वो तो हमें नहीं मालूम, वो तो वही लोग जाने। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस एएनएम सेंटर में एएनएम की नियुक्ति की जाए। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के सीएमओ का मोबाइल नंबर है 94-15-72-73-25 पर फ़ोन कर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।